इसके तेवर देखकर तो नहीं लगता है कि ये मुझसे माफी मांगने आया है। सिंह साहब, हम यहां बात को खत्म करने आए हैं, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। मेरी आंखें जरा कमजोर है, चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा आ गया और थोड़ा आगे, बस बस। अब अपनी दाएं तरफ जाओ। और जाओ। बस बस रुक जाओ, थोड़ा आगे। बस अब रुक जाओ। देखो, कुत्ते के घेरे में खड़ा कर दिया मैंने इसे। अब तो तुम खुश हो? नहीं पापा, जिस तरह सबके सामने इसने आपकी दामाद की बेइज्जती की है, उसी तरह सबके सामने इसकी बेइज्जती होनी चाहिए। चलो ठीक है, तुम भी अपने भड़ास निकाल लो, जाओ। मेरे परिवार के साथ उलझने से पहले मेरे बारे में जान लेते तो अच्छा होता। एक पत्रकार ने हमारे खिलाफ बहुत गलत लिखा, बहुत गलत। हमने उसके हाथ कटवा दिए। एक बेवकूफ जज कानूनी जुबान से हमें डराने की कोशिश कर रहा था, हमने उसकी जुबान कटवा दी। जब मैं डिफेंस मिनिस्टर था तब हमारी कुर्सी को खतरा था, तो हमने आतंकवादी हमले करवाए। काउंटर अटैक में हमारे कुछ जवान भी शहीद हो गए। फिर हमने देशभक्ति का नारा जोर शोर से लगाया, कुर्सी भी बच गई बल्कि प्रमोशन भी हुआ। अभी कुछ ही दिनों की बात है, एक अपाहिज लड़की ने आत्महत्या कर ली। उसके भाई ने मेरी बेटी के खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया। अफसोस, उसे भी हमें उसकी बहन के पास भेजना पड़ा। दशरथ सिंह, दुनिया गोल ही नहीं छोटी भी है। तो जैसे कमीने लोगों की हरकतों की वजह से हम जैसे आम लोगों को बहुत तकलीफ होती है, जिसका तुझे अंदाजा भी नहीं है। लेकिन इस बार तो गलत जगह भिड़ गया। आज के बाद अगर कोई भी कुत्तागिरी की ना, तो मेरा भाई तुझे कुत्ते की जगह खड़ा ही नहीं करेगा, बल्कि कुत्ता बना के छोड़ेगा। मेरी बहन झूठ नहीं बोलती।